प्यारे दोस्तों, छोटे भाइयों बहनों, आइए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में। क्या प्रक्रिया है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय सिंह परिहार, डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट, कई वर्षों से इंटरव्यू के क्षेत्र में गाइडेंस प्रदान कर रहा हूँ। संविधान, मूल विधि और लौकिक कक्षाएं लेता हूँ, हजारों विद्यार्थियों के जीवन में शामिल। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं किस तरह से इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है और कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु हमारे पास है कि साक्षात्कार क्या है। अगर हिंदी में देखें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का सामने उपस्थित होना, साक्षात होना। इसे दूसरे अर्थों में अगर गौर से देखा जाए तो ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज। अगर हम एक्सचेंज ऑफ व्यूज को देखें तो विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान। इस आदान प्रदान की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर उन क्वालिटीज को देखना जो आपके इस जॉब के लिए आवश्यक है, उन क्वालिटीज को देखना जो इस जॉब के लिए आवश्यक है। डिफरेंट सर्विसेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य गुण हैं जो हर विद्यार्थी के अंदर, हर उस कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए जो जॉब सीकर है। तो हम उसी प्रक्रम पर आगे चल रहे हैं और हम बताने का प्रयास करेंगे किन किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये सभी बिंदु अगर आप दिमाग में रखेंगे तो NBS का इंटरव्यू, KBS का इंटरव्यू, वर्तमान में NBS का इंटरव्यू फरवरी में शुरू होने जा रहा है, फिर पहले TGT है, फिर PGT है, इसके बाद KBS के एग्जाम भी हो रहे हैं, उनके परिणाम भी आएंगे, उसमें भी TGT, PGT और PRT के इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा आपसे करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातों को देखिएगा, उसी प्रक्रम पर आपके इंटरव्यूज होंगे। भारत के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में, भारत की विभिन्न सेवाओं में मिशन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी वर्तमान में सेवारत हैं। मेरे मार्गदर्शन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है और यथासंभव हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा उनको इस प्रक्रिया का हिस्सेदार बनाए रखते हैं। आइए इसी प्रक्रम में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू के कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इंटरव्यू पैटर्न एक फिक्स पैटर्न है जिस पर कुछ खास बातें हैं जिन्हें अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यू की प्रक्रिया में कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना है, जैसे इंट्रोडक्शन। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने इंट्रोडक्शन आता है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए है एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें आती हैं। तीसरा, हमारे लिए हॉबी और इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो पर्सनैलिटी का एक अलग एस्पेक्ट है। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, हमने पढ़ाई के अलावा, खेलकूद के अलावा कुछ किया है जीवन में, उसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद हमारे क्या है। नॉलेज, हालांकि नॉलेज रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आपका चेक हो चुका है, लेकिन फिर भी नॉलेज पर भी चर्चा होती है। ड्रेसिंग सेंस क्या है, कैसे कपड़े आपने पहन रखे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या दिख रहा है। मैनर्स, एटिकेट क्या है, क्या तौर तरीके हैं आपके अंदर जो इंटरव्यू के लिए आवश्यक है, जहां पर दिखने चाहिए। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी, किस तरह से आप बात कर रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पर किस तरह से आप क्रिटिसिज्म रखते हो या किस तरह की बात रखते हो, आपकी विचारधारा क्या है सरकार की नीतियों पर, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। टीचिंग, खासतौर से जो विद्यार्थी टीचर्स के इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर वो लोग टीचिंग के लिए भी कह देते हैं कि हाँ, आप थोड़ा सा टीचिंग करिए, हम देखना चाहते हैं कि कैसे आप पढ़ाते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए भी हमें तैयार होना होगा। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्न होते हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। इन सभी पर मैं बहुत जल्दी और बहुत क्लियर कट आपसे बात करने जा रहा हूं, लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। हाउ टू से सॉरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। किस प्रकार से हम सॉरी कहें, देखिए बार बार सॉरी कहना और किस प्रकार से सॉरी कहें कि बोर्ड को बुरा भी ना लगे और आपकी पर्सनैलिटी का कोई निगेटिव एस्पेक्ट भी ना दिखाई पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, और लास्ट पॉइंट है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप एक विद्यालय का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जैसे NBS में आप जा रहे हो, जब नवोदय विद्यालय संगठन में, तो वहाँ आपको विद्यालय में रहना होता है। आप सिर्फ एक टीचर नहीं होते हो, आप एक केयर टेकर होते हो, आप उस परिवार का हिस्सा होते हो जहाँ विद्यार्थी आपके भरोसे पर वहाँ टिके होते हैं। पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में होता है, विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट आपके हाथ में होता है। तो ऐसे NBS संगठन जो भी हैं जिसके अंदर, या नवोदय विद्यालय की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर आपकी भूमिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है व्यक्तित्व विकास में, विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण।
ऐसे में एसआरटी के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं जिन्हें भी हमें देखना होगा और एक एक करके हम लोग समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ओवरऑल डिस्कशन था इसके बारे में। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा चीजें आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या चीजें कैसे आनी है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जनरली आपका इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है, यही समय यहाँ पर अलॉट किया जाता है। हाँ, कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, बोर्ड उससे प्रभावित है, तो ये टाइम 5 मिनट और बढ़ सकता है, +5 मिनट्स हो सकता है। इससे ज़्यादा समय एक विद्यार्थी को नहीं मिलता है। इतने में ही हमें अपने जीवन भर की जो चीज़ें हमने सीख रखी हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण हुआ है, जो हमारे व्यक्तित्व के अच्छे सकारात्मक गुण हैं, उन सब का प्रदर्शन होता है और वो हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से झलकते हैं। एक झलक हमारे अंदर उस चीज़ की होना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, हम टीच कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारा ये 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो चीज़ें हैं वो आपका नाम है, नाम बताना जरूरी है, फादर्स नेम है, पिता का नाम बताना जरूरी है, मदर्स नेम है, इनके बारे में भी बताना जरूरी है। इन सभी के नाम को बाकायदे सम्मान के साथ में आप श्री लगा करके, मिस्टर लगा करके बोल सकते हैं, यहाँ पर माँ के नाम में श्रीमती लगा सकते हैं और इस तरह से हम इनका प्रनाउंस कर सकते हैं। तो पूरा नाम बोलिए, कोई संकोच नहीं है, माता पिता से हमारी पहचान होती है तो उनका पूरा नाम लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं। हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम उस एड्रेस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हम इस जिले से रहने वाले हैं। अगर आप कोई आपका ऐतिहासिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप उस गाँव का भी नाम बता सकते हैं, आपको ये बताने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही साथ हम अपनी लास्ट एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं कि मेरी लास्ट एजुकेशन क्या है। लास्ट एजुकेशन अगर हमारी हाईएस्ट एजुकेशन है तो हम उसे उसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एमए बीएड, ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एमए एक अलग डिग्री है, बीएड एक अलग प्रकार की डिग्री है, इसलिए हमें दोनों को बोलना जरूरी है। इसी प्रकार से एमएससी बीएड कह सकते हैं, कोई भी डिग्री जो मास्टर डिग्री है उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बीए बीएड है तो हम बीए बीएड भी बोल सकते हैं। अगर पीजीटी में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मास्टर डिग्री होगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमारे इंट्रोडक्शन में हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हमारी माँ का नाम, हमारा एड्रेस और साथ ही लास्ट क्वालिफिकेशन, इतनी बातों का ही जिक्र होना चाहिए। खासतौर से इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसे बहुत ज़्यादा विस्तार करके ना बताया जाए तो ठीक है, वो क्वेश्चन पूछें, वो बात बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। चूंकि समय बहुत कम होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम लोग एक एक पॉइंट को दिमाग में रखेंगे और उसे देखेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अपना इंट्रोडक्शन आप यहाँ से दे सकते हो, इस फॉर्मेट में ऐसे बात कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अगला बिंदु है हमारा वो है एजुकेशन का। एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन में हमारी जो एजुकेशन जब भी हम चर्चा करेंगे वो हम 10th से करेंगे। इसके पहले की एजुकेशन हम नहीं बताएंगे, ना तो हमारी प्राइमरी लेवल पर ना जूनियर लेवल पर इस एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है इंटरव्यूज में। वैसे तो जीवन भर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम क्लास 1 में नहीं थे तो 2 में कैसे पहुंच गए, तो 2 में जाने के लिए 1 का होना जरूरी है। तो हर नीचे की चीज़, हर न्यू हमारे लिए उतना ही रोल प्ले करती है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू एक डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पर आपकी 10th के बाद की बातें ही ज़्यादा काउंटेबल हैं, इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। 10th आपने 10th से लेकर के लास्ट क्वालिफिकेशन तक ये ध्यान रखना है। लास्ट तो जो भी आपने कर रखा है, आपने कब किया है, टाइम आपको पता होना चाहिए, कहाँ से किया है ये बताना है, और कोई डिवीज़न अगर आपकी अच्छी रही है तो बताना है। अगर डिवीज़न अच्छी नहीं रही है तो आपने 10th को कहाँ से और कब किया है ये बताना ही पर्याप्त होगा। इसी प्रकार से 10+2 के बारे में आप बता सकते हो, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हो, इसी प्रकार से पीजी के बारे में बता सकते हो, इसी प्रकार से बीएड के बारे में बता सकते हो। तो ये चीज़ कहाँ से कब की गई है इनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन इतने से ही सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर गैप ईयर को लेके क्वेश्चन बनता है कि जो आपका गैप ईयर है वो कैसे है। कभी कभी क्या होता है कि हमने हाई स्कूल के बीच में या 10th और 12th के बीच में हमारा कोई गैप हो जाता है, किसी कारण से हमारा गैप हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि भाई क्यों आपका गैप हुआ है, इसका आंसर आपको तैयार करना होगा। उसके डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, उन्हें आपको तैयार करना होगा, एक एक करके पॉइंट्स को रखना होगा ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के उस बारे में लिख सकता है कि सर मेरा यहाँ से यहाँ गैप हो गया है, ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है, तो मैं उसे सजेस्ट कर दूंगा
अगर उसे लगता है कि नहीं बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9919518485 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर वो पूरी घटनाक्रम को लिख करके मुझे भेज सकता है, उस पर भी हम उसे जवाब दे सकते हैं। ये उसके भविष्य निर्माण में निश्चित रूप से सहायक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि परसेंटेज का जो अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन जो परसेंटेज अप एंड डाउन है, अगर ये परसेंटेज का अप एंड डाउन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ऐसे परसेंटेज क्यों ऊपर नीचे हुए हैं, आप पढ़ाई नहीं करते थे, आपने लापरवाही की है, क्या कारण है कि हाई स्कूल में इतना है, इंटरमीडिएट में इतना है, ग्रेजुएशन में इतना है। एक क्वेश्चन एजुकेशन से ये होता है, प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक मेंटर बनने जा रहे हैं, आप एक मार्गदर्शक बनने जा रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप सही बताएंगे और स्पष्ट बताएंगे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एजुकेशन में एक और होता है, वो है स्ट्रीम चेंज को लेकर के। स्ट्रीम चेंज यानी आपने जो विषय परिवर्तन किया है, विषय परिवर्तन वह किस कारण से किया है, आप पहले साइंस साइड से थे फिर बाद में आप आर्ट्स में क्यों चले गए, या आप कॉमर्स में क्यों चले गए, एक बड़ा कारण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका एक रीजनेबल आंसर आप तैयार रखिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बोला है कि मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक ये बातें थी। इसके बाद नॉलेज को लेकर के क्वेश्चन आता है, तो ये नॉलेज कौन सा जिसकी एंट्री आप कर रहे हो, जैसे TGT में जा रहे हो, अगर सोशल है तो आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं ग्रेजुएशन में, वो आपको देखना होगा। अगर आप PGT के लिए जा रहे हो तो आपका इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट होगा जिस पर बातचीत होगी, तो सब्जेक्ट की 0 लेवल से ऊपर तक की सारी बातें तैयार होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज वाले पोर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। आपसे गहराई से बातें पूछी जाती हैं, आपका नॉलेज चेक किया जाता है, इसलिए प्रश्नों को सुनना है, थोड़ा सा रुक करके सटीक आंसर देना है, यही बेस्ट प्रोसेस है। तो प्यारे विद्यार्थियों उसे ध्यान रखिएगा, नॉलेज से जो भी क्वेश्चन आएंगे उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी एजुकेशन की हमने जो बातें बताई उसे दिमाग में रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला विषय है हॉबीज और इंटरेस्ट। देखिए जीवन में निश्चित रूप से हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वो अपने जीवन में अपनाना चाहता है, उन्हें रखना चाहता है। इंटरेस्ट वो सभी चीजें हैं जिन्हें आप करना चाहते हो, करना चाहते हो, लेकिन किन्हीं कारणों से कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर यही कार्य करने लग जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है हॉबी, तो हम हॉबी के रूप में इन्हें देखते हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो हमारे जीवन में शामिल हो, जिन्हें हम हॉबी के रूप में रखते हो, इंटरेस्ट के रूप में रखते हो। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पुटअप होता है कि आपकी हॉबी क्या है और इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसका बहुत ही शालीनता से उत्तर दीजिएगा। जो भी आप हॉबी बताएंगे, जो भी आप इंटरेस्ट बताएंगे, उसी से क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे, और ये चीज बहुत ध्यान रखने की है, कोई ऐसी बात हम ना बता दें जिससे हम उसका उत्तर ना दे सकें। पर विद्यार्थियों हर बात का बहुत रोल है, मैंने हमेशा ये कहा है कि जीवन में सफल होने के लिए हजारों बातों का आपके फेवर में होना आवश्यक है, लेकिन असफल होने के लिए कोई एक बात ही बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए हम हर बात को बहुत बैलेंस करते चलेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा करें, बाकी हम इसको अपनी नियति पर, अपने भाग्य पर और ईश्वर की कृपा पर छोड़ दें कि क्या होने वाला है। आइए इस पॉइंट पर ध्यान दें, तो यहाँ पर हमें अगर हम उसे करने लगते हैं तो ये हॉबी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ 0 लेवल से लेकर के गहराई तक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी हम बताएंगे, जो भी हम लिखेंगे, उसे हमें तैयार रखना चाहिए। अरे विद्यार्थियों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए जीवन में जो स्टडी है हमारी, स्टडी के बाद हमने जो पढ़ा, एकेडमिक्स में हमने जो भी पढ़ा, हमने जिन भी विषयों को पढ़ा, जो हमने ढेर सारे सब्जेक्ट जीवन में पढ़े, चाहे वो मैथ्स हो हमारा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या हमने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उस सब्जेक्ट से हटकर जो एक्स्ट्रा है, जैसे ड्रामा है, कोई एक्टिविटी है, अगर हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है, NCC है, या हमने NSS में पार्टिसिपेट किया है, या इसी तरह की कोई और एक्टिविटी है, हम किसी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, रक्तदान शिविर में गए हैं, तो हम इस तरह की बातों को कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो स्टडी नहीं है, स्टडी से हटकर है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हटकर है,
वो सब कुछ क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता है। तो हम उसे भी दिमाग में रखेंगे, अगर वो हमसे कुछ पूछते हैं तो हम बताते हैं, अगर हमने एनसीसी कह दिया तो फिर एनसीसी से जुड़ी हुई बेसिक बातें वो आपसे पूछ सकते हैं, उस समय के लिए भी हमें रेडी रहना है। इसी प्रकार से अगर हमने एनएसएस कह दिया तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है कि यहाँ से बेसिक बातें पूछी जा सकती हैं। अगर हम इन बातों को बताते हैं तो बोर्ड को बहुत अच्छा लगता है कि इस आदमी का, इस व्यक्ति का, इस विद्यार्थी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, ये निश्चित रूप से आगे आने वाले विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन बातों को ध्यान रखेंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को तैयार करेंगे। आइए अगले घटनाक्रम पर हम लोग चलते हैं और वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए स्टडीज में जैसे अब एनबीएस में जा रहे हैं तो वहाँ हमारे विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, छट करके विद्यार्थी आते हैं जिले में जो सबसे मेधावी विद्यार्थी होते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन्हें सबको परीक्षा दे करके इस विद्यालय का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। ऐसे में ये संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आइए हम बात कर रहे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के, जो खेल कूद हैं, अगर हम किसी एथलेटिक्स में रहे हैं तो एथलेटिक्स में, या किसी भी हम खेल में रहे हैं तो हमने किस लेवल पर रहे हैं, हमारा स्तर क्या रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। हम वहाँ पर कैप्टन थे या हम क्या थे, वहाँ पर हम क्या भूमिका निभाते थे, हम उस गेम्स में कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमने किस स्तर तक खेला है, ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो इनको अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है तो आपको आंसर देना है, अगर नहीं किया है तो आप नॉर्मली आंसर कर सकते हो कि सर मैं ऐसे कोई इस स्तर पर नहीं खेल सका, हाँ मैं घरेलू स्तर पर खेलता रहा, ये गेम्स मुझे पसंद हैं। जो भी आप बोलोगे मुझे पसंद है, उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कम से कम अगर वो क्रिकेट है तो जो इंडियन टीम है हमारी, इंडियन टीम के खिलाड़ियों के नाम तो कम से कम पता होने चाहिए। अगर आपने हॉकी कह दिया कि मेरा हॉकी है तो हॉकी टीम के आपको खिलाड़ियों के नाम पता होना चाहिए। आपने अगर फुटबॉल कह दिया तो आपको फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के नाम पता होने चाहिए। ये बेसिक सी बातें जरूर पता होनी चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। सारे विद्यार्थियों, इंटरव्यू एक कला है और इस कला को हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर करती है। देखिए इंटरव्यू में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू को हम अपने हिसाब से भी मोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम मोड़ सकते हैं क्योंकि हमें जिस बात पर जोर देना है, जिस बात पर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन हमसे पुट अप हो, उस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन की दिशा भी वहाँ बढ़ सकती है। अगर एक्सपर्ट के दिमाग में कुछ पहले से क्लियर नहीं है तो वो फिर आपसे उसी दिशा में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं दे आर द हाईली क्वालिफाइड, दे आर द वेरी टैलेंटेड पीपल, वो बहुत ही समझदार सुलझे हुए लोग होते हैं और वो बारीकियों से पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था नॉलेज के बारे में। देखिए नॉलेज क्या है, नॉलेज तो आपका चेक हो गया है, अगर देखा जाए तो नॉलेज आपका चेक हुआ है। अब रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से फिर भी वो अपने सामने कुछ बातों को देखना चाहते हैं, क्या उन सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ है या नहीं है। अगर आपकी पकड़ है, आप उसको बता रहे हैं, तो बेसिकली प्यारे विद्यार्थियों जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो 6 से लेकर के 10 तक का आपको पता होना चाहिए, 12 तक का पता होना चाहिए आप अगर पीजीटी में जा रहे हैं। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई है कि आपसे एनसीईआरटी की बुक्स आप ले लीजिए, उनमें जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं एक क्रम से उनको पढ़ डालिए, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए तो उन्हें आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आप टीचर भी तो उसी के बनने जा रहे हो, इसलिए आपको उनको पता होना चाहिए। सारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जीरो लेवल से आगे मूव करता है। पहले क्वेश्चन बहुत छोटा पूछते हैं, फिर उसका क्रॉस करते हैं और उस क्रॉस को करके उसको बड़ा करते जाते हैं और एक क्वेश्चन से दसियों क्वेश्चन ऐसे करके पूछते चले जाते हैं और तब जाकर के आपसे बात खत्म होती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो ये शुरू हुआ था, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, फिर पांचवा बना, फिर छठा बना, फिर सातवां बना, फिर आठवां बना, फिर नौवां बना, फिर दसवां बना, फिर ग्यारहवां बना और फिर बारहवां बना। प्यारे विद्यार्थियों एक बात से घुमा घुमा करके हम 12 क्वेश्चन तक पहुँच गए, ये बताता है कि हमारी डेप्थ क्या है, हमारी गहराई क्या है स्टडी के बारे में। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ जो पता है वो स्पष्ट पता होनी चाहिए, अगर हमें कंफ्यूजन है, गड़बड़ी है तो हम वहाँ पर से बता सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे परीक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, अगर यूपीएससी इंटरव्यू ले रहा है या यूपीपीएससी ले रहा है इंटरव्यू, तो वो निश्चित रूप से इस तरह की गहराई पर जाता है और आपकी डेप्थ का पता लगाता है कि आप कितनी गहराई से पढ़कर आए हैं, क्या लेवल है आपका, और ये एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाने पर ही पता चलता है।
इसे बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू चेक योर नॉलेज, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर पेशेंस। इसको ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा इंटरव्यू टेक्निक में एक बात और भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है। जो आप कपड़े पहन के आए हो, जो आपने अपना ड्रेसिंग सेंस रखा हुआ है, वो किस तरह का है, वो किस पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या आप एक अच्छे टीचर के गुण को रखते हैं, वो आपके कपड़े से, आपके पहनावे से झलक जाता है। स्मार्टनेस होना एक अलग बात है, सुंदर होना एक अलग बात है। कोई भी व्यक्ति सुंदर हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन वो स्मार्ट है कि नहीं, ये बात अलग होती है। उसकी बातचीत से, उसके पहनावे से उसकी स्मार्टनेस का पता चलता है, और फिर बाहरी आवरण देख करके हम उसकी सुंदरता का पता लगाते हैं। गहराई से जब चेक होगा, व्यक्तित्व की जांच होगी, तो हम स्मार्टनेस देखेंगे और इंटरव्यू स्मार्टनेस देखता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग सेंस में स्पेशली अगर हम फोकस करें तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे अच्छा ड्रेस होता है साड़ी। साड़ी पहन के जाएं, नीचे जो है वो सैंडल पहन सकती हैं और या जूती पहन सकती हैं, ठीक है। या अगर वो साड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं कर सकती हैं तो कुर्ता और सलवार पहन सकती हैं, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। जो भी कपड़े लेते हैं वो ऐसे रहें कि वो लाइट शेड में हो, अपने कलर कॉम्बिनेशन को देख के रखें। जनरली क्रीम कलर के कपड़े अच्छे माने जाते हैं, क्रीम शेड में हो, उन पर नीचे एक बॉर्डर टाइप का हो, ऐसे हो जो साउथ टच में कपड़े आते हैं, उस तरह के कपड़े को लेकर, कॉटन बेस्ड कपड़े को लेकर वो बनवा सकते हैं, अपने सलवार सूट को बनवा सकते हैं या अपनी साड़ी का भी कॉम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉयज़ में जो आवश्यक है, बॉयज़ में आपके लिए ज़रूरी है कि आप, या मेल कैंडिडेट्स में, यहाँ पर आप पैंट और शर्ट पहनेंगे। पैंट और शर्ट पहनने का मतलब हो गया कि आपको ये एक फॉर्मल ड्रेस मानी जाती है। बेसिकली ये पूरा खेल हो रहा है फॉर्मल के लिए। हमारा उद्देश्य है आपको फॉर्मल बनाना। यहाँ पर आप लेदर के जूते पहन सकते हैं और मोजा पहन सकते हैं। अच्छा होगा कि आप टाई लगा लें जेब में एक पेन रख लें, है ना, एक पेन रख के जाए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा। टाई जो लगाएंगे वो स्ट्रेप वाली टाई लगाना चाहिए। जनरली कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे स्ट्रेप वाली टाई हो और उसका बेस जो है वो ये ब्लू हो, ब्लू बेस की टाई हो आपकी, तो अच्छा रहेगा। उस पर लाइनिंग्स हो, स्ट्रेप्स हो, तो वो अच्छा लगता है आपके इंटरव्यूज के लिए, वहाँ पर अच्छा माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो महिलाओं की ड्रेसिंग सेंस है और जो बॉयज़ का है वो ऐसा ही है। आप हल्का सा जो बाल बंधे होने चाहिए, यहाँ बाल बंधे हों, इसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई पर्सनली बात करनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको नंबर बता रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने रिटन की परीक्षा को पास कर लिया है। अब आप उस आखिरी पायदान पर हैं जहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी, इस पर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपसे कहा कि इस तरह से ये करेंगे, ये पहनावा इनका होगा, पैंट होगा। पैंट में डार्क शेड में आप डार्क ब्लू ले सकते हैं या डार्क जो है ब्लैक भी ले सकते हैं। अगर डार्क ब्लू लेते हैं तो लाइट शेड में आपको क्या करना है, लाइट शेड में आपको ऑफ लाइट या ऑफ वाइट, ऑफ वाइट जो शर्ट होती है वो आप ले सकते हैं। अगर आपने ब्लैक पैंट लिया है तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा ये ध्यान रखना है, और अगर आपने ब्लू पैंट लिया है तो कॉम्बिनेशन क्या है। डार्क ब्लैक पैंट के साथ में आपको ऑफ वाइट शर्ट नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको लेनी है स्काई ब्लू शर्ट, स्काई ब्लू ये वाली शर्ट आती है। अगर डार्क ब्लैक पैंट है, मैं यहाँ पर फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, अगर ब्लैक शर्ट ले रहे हैं तो स्काई ब्लू शर्ट लेना है, इसको ध्यान रखना है। अगर ब्लू पैंट ले रहे हैं तो आपको ऑफ वाइट शर्ट लेनी है, ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। अगर आपका ग्रे कलर का लेने का मन कर रहा है कि मैं डार्क ग्रे में पैंट ले लूं, तो फिर ऑफ वाइट शर्ट आप ले सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप फॉलो कर सकते हो। लेदर के शूज होने चाहिए, लेदर के शूज, फीते वाले ऐसे शूज लेकर के आप पहनेंगे, और प्रॉपर शूज होना चाहिए, जो ऑक्सफोर्ड पैटर्न आता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपकी ड्रेसिंग सेंस का, इसे आप फॉलो करेंगे
तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैनर्स। सारे विद्यार्थियों, मैनर्स और एटिकेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वहाँ इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं तो रूम में कैसे एंटर करें, एंटर करने का क्या तरीका है, कैसे बैठेंगे वहाँ पर जाकर के, कैसे फाइल देंगे, इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस 5 से 10 मिनट में ही आपकी पर्सनैलिटी का पूरा चेक किया जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को देखा जा रहा है। छोटी छोटी बातें आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने समझदार हैं। आपको अगर कोई चीज़ बताई जा रही है कि इस बात का आंसर ये है, तो आपको तुरंत थैंक यू सर बोलना चाहिए, है ना। कोई भी गलती होती है तो उसमें आपके मुंह से सॉरी सर बोलना चाहिए। ये बेसिक सी बातें हैं, ये हिंदी अंग्रेजी नहीं है। इंटरव्यूज में MBBS में आप जा रहे हो, वहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो सकते हैं, वहाँ पढ़ाई का पैटर्न भी कहीं कहीं पर इंग्लिश मीडियम का कुछ चीज़ों में होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने जो चीज़ें हैं, थैंक यू सर बोलना, ये कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं है जिसको आप नहीं जानते। थैंक यू सर बोलना चाहिए, या थैंक यू सर के साथ अलावा सॉरी सर, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक सी बातें हैं। मे आई कम इन सर कह करके प्रवेश करना चाहिए, परमिशन मिलने पर आप अंदर चले जाएं। बैठने के लिए जब कहा जाए तभी आप बैठे, अपने आप नहीं बैठना है, है ना। फिर अगर वो फाइल कहते हैं फाइल दीजिए, तो फाइल को आप खोल करके उन्हें दे दीजिए, है ना। ये बेसिक सी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। जाने को कहते हैं तो आप उनसे बाकायदे थैंक यू सर बोल के खड़े होइए। अगर वो कहते हैं ओके नाइस मीटिंग, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू गो नाउ प्लीज, तो आप बोलेंगे थैंक यू सर, और इसके बाद खड़े होंगे, आप नमस्ते करिए और फाइल लीजिए। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर चले जाइए, गेट को धीरे से खोलिए, बाहर निकल जाइए। पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल तरीके से आए थे, सिंपल तरीके से चले गए। अगर वो कुछ खाने के लिए कहते हैं खा लीजिए, तो आप मना कर दीजिए, उनको थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू सर। कितना भी फोर्स करते हैं खाने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ खाना खाने नहीं गए, आप वहाँ एक फॉर्मल रिलेशन में गए हैं, तो हर चीज़ वो होनी चाहिए जो फॉर्मल है। कोई भी इनफॉर्मल रिलेशन वहाँ डेवलप नहीं करना है। तो इस तरह से एक अच्छे तरीके से बात करके आएंगे, इस 10 से 15 मिनट का एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, है ना, एक हैप्पीनेस वाला माहौल होना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद वो आपका एक पॉजिटिव मूल्यांकन कर सके। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगला पॉइंट है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारी बॉडी के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारे व्यवहार से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा समुद्र है, तो ये हाथ का इशारा ये बताता है कि समुद्र बहुत विशाल है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है कुछ बातों को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे आईज से, हमारे लिप्स से, हमारे हाथों के मूवमेंट से, हमारे एक्सप्रेशन ये हमारी बॉडी लैंग्वेज को बताते हैं। हम अगर एग्रेसिव हैं तो हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से एग्रेशन दिखता है। अगर हम खुश हैं तो वहाँ से हमारी खुशी और हैप्पीनेस दिखती है। तो यही बॉडी लैंग्वेज है। तो बोर्ड में जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कोशिश करें कि आपका फेस जो है स्माइल वाला हो, आपकी स्माइल दिखती रहनी चाहिए, स्माइल दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुँह बना लिया आपने, हंसते हंसते मुस्कुराने लगे, ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। हल्का सा लिप पर खुशी होनी चाहिए, आप स्माइल के साथ वहाँ बैठें। हाँ, ये नहीं है कि अगर कोई दुख का मोमेंट है, अगर उस दिन कोई बड़ी घटना घट गई है और आप बिल्कुल हर बात को मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे हैं, दुखी बात को भी मुस्कुरा के बोल रहे हैं, तो वो गलत है। इसलिए नॉर्मल होकर बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में अगर ऐसी सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए। हाथ मुंह के मूवमेंट नहीं करेंगे, हाथ का मूवमेंट और पैर का मूवमेंट ये नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारी आई कॉन्टैक्ट है, जो हमारी आई कॉन्टैक्ट है, ये प्रॉपर होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। हम जिस आदमी ने प्रश्न पूछा है, हम उसकी तरफ देखकर प्रॉपरली आंसर करेंगे। अगर हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है तो हम नॉर्मली सबकी तरफ देखते रहेंगे, हमारा फेस नॉर्मल रहेगा, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन जो पूछ रहा है हम जरूर उसी जवाब देंगे। उस दौरान हम सामान्य ढंग से इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम सबकी तरफ देख करके आंसर को करें। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। किया है तो उसे गौर करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हमारा अगला विषय है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर हमारे सामने कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज से जुड़े हैं,
जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या क्वेश्चन हमारे सामने उज्ज्वला योजना से आता है, या वर्तमान में जो राहुल जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत, इससे जुड़ा कोई प्रश्न आता है, या देश की किसी और नीति से जुड़ा कोई प्रश्न आता है, तो हमें एक बैलेंस करेक्टर के साथ बात करनी है। हम गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत अब क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। इसका एक बड़ा रीज़न है कि आप एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, इसलिए भी हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात होती है कि जो गवर्नमेंट कुछ भी बनाती है उसके ऊपर बहुत सीनियर लोग होते हैं, उनकी एक टीम होती है और वो बहुत ही अनुभव के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो एक बार की उनके बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि अगर हमें कुछ कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें ये बात जुड़ जाती तो और अच्छा होता, इसमें ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, इस तरह की हम बातचीत कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में हमें इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान में रखकर के बात करनी है। अरे विद्यार्थियों, ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं ये बहुत वर्षों के अनुभव से चीज़ें आई हैं और जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। टीचिंग एक प्रोसेस है, खास तौर से एनबीएस और केबीएस के लिए, एनबीएस और केबीएस के लिए एक प्रोसेस है। चाहे ये पीआरटी का इंटरव्यू हो, चाहे टीजीटी का इंटरव्यू हो और चाहे पीजीटी का इंटरव्यू हो, इन सभी जगहों पर ये टीचिंग का प्रोसेस कराया जाता है। वो आपको टाइम देते हैं कि आप पढ़ाइए, आपसे पूछते हैं कई बार कि कुछ टॉपिक आप बताएं, तीन चार टॉपिक आप बताते हो, उनमें से किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कह सकते हैं। जब आप पढ़ाने जाते हो तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि बीएड के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। हालांकि मैं तो अपने यहाँ पर लेक्चर प्रोग्राम भी कराता हूँ, अपने सामने ही टीचिंग भी कराता हूँ, ताकि विद्यार्थियों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कुछ सहयोग कर सकूँ, उन्हें पॉलिश करने में कुछ सहयोग कर सकूँ। तो ये एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है, परफॉर्मेंस बेटर होता है, लेकिन आप घर पे भी रह करके सारी चीज़ों को कर सकते हो। देखिए ये क्या है कि आपका लेसन प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका क्या कैसे रहा है, कौन सा पीरियड है, डेट है, क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, कितने मिनट का पीरियड है, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, ये सब लिखने के बाद ही आप आएंगे। और कोशिश करिए कि प्रकरण निकलवाने का प्रयास करिए। अगर आप प्रकरण निकलवाने की प्रक्रिया में बात करते हैं तो बोर्ड को बहुत अच्छा लगता है कि आपको पढ़ाने की कला आती है, आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, टीचिंग इम्पॉर्टेंट है और इससे जुड़ी ही बातों को हमें ध्यान रखना है। अरे विद्यार्थियों, इंटरव्यू एक प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको चीज़ें बन जाती हैं, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। निश्चित रूप से मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है। बिना मार्गदर्शन के ऐसे विषयों पर जानकारी का अभाव होने की वजह से भी हम अंतिम मोमेंट पर भी बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है, और हमारे आसपास के जो अनुभवी लोग जो होते हैं, जिन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, जिन्हें इंटरव्यू का कोई ज्ञान नहीं है, वो सब लोग भी इंटरव्यू की भरपूर जानकारी देते हैं, और उससे जो विद्यार्थी सफलता के अंतिम पायदान में है वो फिर असफलता की तरफ बढ़ जाता है और फिर वो दूसरे को जाके अपना ज्ञान देता है। बेसिकली होना ये चाहिए कि अंतिम मोमेंट में कहीं ना कहीं किसी सही मार्गदर्शक से सलाह लेकर के हमें अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट है और हमें एक एक नंबर बढ़ाने हैं, तो हमें उस दिशा में सही कार्य करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रश्न तो पहला यही होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं इस सेवा में, वाई आर यू इंटरेस्टेड टू कम इन दिस जॉब, क्यों आना चाहते हैं, तो पहला प्रश्न तो यही हो गया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, हम आपको क्यों ले, ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं आपके। आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपका आदर्श क्या है, कौन है आदर्श आपका, अगर कभी नहीं हुआ आपका तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। ये एक क्वेश्चन की सीरीज है पूरी, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है पहला ही आ जाए, हो सकते हैं और कोई क्वेश्चन आ जाए। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन का एक श्रृंखला होती है जो आपके रिलेशंस को लेकर के, आपके आदर्श को लेकर के। अगर आपका एनबीएस में हो गया और आपका केबीएस में भी हो गया तो आप किसे ज्वाइन करेंगे, अगर आपका इन दोनों में होने के बाद आपके राज्य में जो राजकीय विद्यालय है जीआईसी है उसमें हो गया तो आप किसे ज्वाइन करेंगे, अगर आपका हायर एजुकेशन में हो गया तो आप किसे ज्वाइन करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, या आपका आईएएस में हो गया तो किसे ज्वाइन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं,
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत सारी उलझनों का सामना करते हैं। सटीक आंसर क्या हो सकता है इसके लिए प्रैक्टिस करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको नंबर दिया है 99 19 51 84 85, उस पर व्हाट्सएप करिए, हमसे जुड़ने का प्रयास करिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। आज एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको इंटरव्यू की बेसिक बातें बता रहे थे ताकि सारी बात आपको क्लियर रहे और आप बेहतर तरीके से अपने परिणाम को ला सके, आप उस इंटरव्यू को अच्छा दे सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, इन्हें ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों के लिए हर क्षण रेडी रहना है। अगला पॉइंट है हमारा हाउ टू से सॉरी। देखिए, सॉरी कहना एक बहुत आम सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, हर आदमी सॉरी बोल देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सॉरी जो हम कह रहे हैं वो सॉरी का उद्देश्य क्या है। सॉरी हमारा कहने का उद्देश्य है कि मुझे वो प्रश्न नहीं आता, ठीक है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमें याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, या हम भूल रहे हैं, या हम कंफर्म नहीं हैं, या हमें कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसी बातें भी तो हम कह सकते हैं। तो ये शैली है, बार बार सॉरी सर कहने से क्या होता है कि जब कभी वो मूल्यांकन करते हैं आपका, तो मूल्यांकन करने पर कोई ना कोई ये कह देता है कि वो सॉरी कह रहा था बार बार हर चीज में, तो ऐसा ना महसूस होने पाए, हम इन शब्दावली के प्रयोग से भी इस बात को कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ टू से सॉरी के बारे में, ये मेरा अपना शोध कार्य था जिस पर मैंने कई वर्षों तक कार्य किया और मैंने इन शब्दावलियों को तैयार किया ताकि विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन कर सकूं। इन बिंदुओं में बहुत सारी बातें होती हैं, उन्हें एक एक करके समझते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, आपके पास आज का लास्ट पॉइंट है SRT। ये इंटरव्यू में अक्सर जो है MBS के इंटरव्यू में पूछा जाता है, हालांकि KBS में भी कुछ बार हमने देखा है, जो विद्यार्थियों से बात हुई है उन्होंने भी कई बार कहा है। वैसे तो ये डिफेंस का क्वेश्चन है, NDA CDS का क्वेश्चन है, और UPSC में खासतौर से जब सिविल सर्विसेज के लिए हम जाते हैं वहां का क्वेश्चन है। लेकिन MBS में आपके एज ए टीचर की भूमिका जो है वो आपकी क्या है, उसको लेकर के क्वेश्चन होता है, क्योंकि MBS का जो टीचर है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कार्य करता है, क्योंकि वो वही रहता है और वहां से रह करके विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी में जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे में आपसे सिचुएशंस दी जाती हैं, सिचुएशन, रिएक्शन, टेस्ट। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस की एक सीरीज होती है जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं और उन्हें देखते हैं। तो इसे भी आपको दिमाग में रखना है। इसका एक अच्छा आंसर है कि एज अ टीचर, आप उसका आंसर करें, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसका आंसर करें, ये ध्यान रखकर चलेंगे तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। सर विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य था कि हम आपको इंटरव्यू के संदर्भ में कुछ बता सकें और उस दिशा में हमने प्रयास करने का कार्य किया। देखिए, इंटरव्यू प्रक्रिया एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हम उसे जानकारी के अभाव में कठिन बना देते हैं और यही परिणाम होता है कि हम उसमें मार्क्स कम पाते हैं। 200 मार्क्स का इंटरव्यू हो रहा है, उसमें से जो मार्क्स पाएंगे उसका 20% जोड़ा जाएगा। PGT में है तो 120 क्वेश्चन में जो मार्क्स पाएंगे उसमें से 80% जोड़ा जाएगा, दोनों को जोड़ करके मेरिट बनेगी, इस तरह की प्रक्रिया बताई जा रही है। PGT में है तो 130 पे जोड़ा जाएगा, फिर 200 का इंटरव्यू है उसका 20% होगा, ऐसे करके मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। फिलहाल हमारा उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम अंक इंटरव्यू में पाएं, क्योंकि हमारे पास अब आखिरी पॉइंट यही बचा है। प्यारे विद्यार्थियों, इंटरव्यू की प्रक्रिया आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी, निश्चित रूप से आप उसे समझे होंगे और उसका पालन करेंगे। अगर आप उसे ध्यान रखते हैं और एक एक बात को गौर से समझ के चलते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अनंत शुभकामनाएं, जीवन पथ पर आगे बढ़े। जय हिंद।